एजिंग को डिले करता है, अरेस्ट कर देता है अगर आप प्रॉपरली सनब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर से लोग सनब्लॉक के बारे में इतना नहीं जानते, और अभी ये खातून कह रही थी वो SPF 15 इस्तेमाल करती हैं। देखिए SPF 30 या उससे बिलो जो है इट डज नॉट गिव यू एनी प्रोटेक्शन, पहली बात ये। दूसरी ये कि सनब्लॉक जो है यूजली इट इज ओनली गुड फॉर 2 आवर्स। तो बहुत सारे लोग जो है सुबह एक दफ़ा सनब्लॉक लगा के निकल जाते हैं, उसके बाद वो समझते हैं कि उनको सन प्रोटेक्ट हो रहा है। नहीं, 2 से 4 घंटे के अंदर उनका इफेक्ट जीरो हो चुका होता है, ठीक है। तो दे हैव टू रीअप्लाई, जब सुबह निकलें बाहर घर से तो अप्लाई करें, और उसके बाद शाम तक अगर बाहर हैं या बीच में फिर दोबारा निकलें तो रीअप्लाई करें। अच्छा, आफ्टर एवरी 2 to 4 आवर्स। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, वाटर इनटेक कितनी होनी चाहिए एंटी एजिंग के लिए? 8 to 10 ग्लासेस एवरी डे। अगर आप उसमें कुछ जूस ले लेते हैं, मिल्क ले लेते हैं, तो आप उसको काउंट कर सकते हैं टुवर्ड्स दैट 8 to 10 ग्लासेस। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब। अब मुझे बताएं, निकोटीन या अल्कोहल का इस्तेमाल कितना आपकी स्किन को अफेक्ट करता है? डिपेंड करता है कि आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं निकोटीन और अल्कोहल। अगेन, अगर आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सिगरेट पी रहे हैं, तो उसका डैमेज उतना ही ज्यादा होगा। एक और कॉल है क्वेटा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि मेरे मुंह पे ना छाले पड़ जाते हैं। मुंह में या मुंह के अंदर? मुंह के अंदर जो मसूड़े है ना, मसूड़े, जबान, इन पे ना छाले पड़ जाते हैं। अच्छा, मतलब आपको छालों की? सिगरेट बहुत ज्यादा पीता था लेकिन अब छोड़ दी ना। चलो शुक्र है छोड़ दी, लेकिन अब ये छाले सही नहीं हुआ है। अभी तकरीबन 2 माह से तो मैंने खाना भी नहीं खाया, ना खा सकता हूँ। कराची में डॉक्टर को दिखाया, इस्लामाबाद गया हूँ, कोयटा में दिखाया, हर जगह पे दिखाया, लेकिन ठीक नहीं हुआ है, कोई रिलीफ नहीं मिला। अच्छा, ये अभी डॉक्टर साहब आपको बताएंगे, फिर मैं आपको एक टोटका बताऊंगी। आपकी क्या एज है? मेरा एज है 38। देखिए, आप अगर सिगरेट पी रहे हैं बहुत अरसे से, तो उसका डेफिनेटली आपके थ्रोट के ऊपर, ओरल कैविटी पे बुरा असर पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो है गुटखा, पान, छालिया, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। आपने किसी डेंटिस्ट को या ओरल डॉक्टर को दिखाया, ओरल सर्जन को या डेंटिस्ट को कंसल्ट किया क्या आपने? जी हाँ, मैंने कराची में भी दिखाया था और क्वेटा में भी दिखाया था, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला है। लेकिन सिगरेट तो मैं बहुत, तकरीबन 4 माह हो गए मैंने छोड़ दी। यहाँ पे मैंने एक ऑपरेशन कराया था अर्निया का, वहाँ से वो नशे और वो जो नशा दिया था और उसके बाद वो जो दवाई वगैरह दी थी, उसकी वजह से भी कुछ और है। मेरा ख्याल है कि आप ये किसी स्किन वाले को दिखाने से बेहतर है कि किसी ऐसे बंदे को दिखाएं जो माउथ अल्सर्स या वो माउथ कैंसर्स या इन चीजों को डील करते होते हैं या छालों के लिए, ये डॉक्टर साहब नहीं बता सकते आपको। लेकिन स्किन वाले को तो 2-3 मरतबा दिखाया। तो गलत किया ना आपने, गलत किया। देखें, आज तक आप छालों से परेशान हैं क्योंकि आपने स्किन वाले को दिखाया। आपको आपको डॉक्टर साहब बताते हैं, डॉक्टर साहब इनको किस ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जाना? देखिए, आपको चाहिए कि आप किसी एक अच्छे डेंटिस्ट को या ओरल सर्जन को या ईयर, नोज एंड थ्रोट स्पेशलिस्ट को आप दिखाइए, वो आपको सही डायरेक्ट भी करेगा और ट्रीट भी करेगा। आप किसी ईएनटी को दिखाएं। ईएनटी का मतलब पता है ना आपको, कि जो गला देखता हो, जो मुंह देखता हो आपका, जी आप उनको दिखाएं तो आपको आराम आएगा। उसके अलावा जो मैं आपको बता रही हूँ एक टोटका, वो आप करके देख लें, शायद आपका छालों का मसला हल हो जाए। हाँ, अब मुझे सुन रहे हैं आप? जी जी सुन रहा हूँ। खोपरा होता है ना, खोपरा, वो खाया है कभी? हाँ खाया है। नहीं नहीं, छालों के लिए कभी खाया है किसी ने बताया? नहीं खाया है छालों के लिए नहीं। आप एक अच्छी मिकदार में खोपरा लेके आ जाए, पिसवा के, जो पान वालों के पास पिसा हुआ खोपरा होता है ना, वो लगाएं मुंह में, उसको लगाएं और उसको खाएं भी। और आपने वो बहुत ज्यादा खोपरा खाना है, खोपरे से आपका जो है ना वो सारा जो है खत्म हो जाएगा। और नारियल पानी जितना पियेंगे उतना आपका जो है मुंह का छाला खत्म होगा। ठीक है, ये भी देख लेता हूँ इंशाल्लाह। ये भी देखें और किसी गले के डॉक्टर को दिखाइएगा। ठीक है इंशाल्लाह, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। देखें ना, आप लोगों को मिस गाइड करना भी तो कितनी गलत बात है। उनको ईएनटी को दिखाना बहुत नहीं, अब ये किसी भी स्किन वाले के पास गए जबकि आपने साफ कह दिया कि ये मेरी फील्ड ही नहीं है। राइट, देखिए स्किन आपके बाहर का होगा, अंदर का जो प्रॉब्लम है ये तो साफ साफ लग रहा है कि किसी ईएनटी को दिखाएं। ईएनटी को दिखाना, सिगरेट की वजह से हो गया है। डेफिनेटली, खुदा ना खास्ता कोई सीरियस बात है। हाँ, कि इनको इतने महीने से हील ही नहीं हो रही है। बिल्कुल, ही शुड गो एंड सी ईएनटी। असल में छालों की प्रॉब्लम मुझे काफी अरसे, काफी लोगों को भी रही है और मुझे भी रही हुई है,
तो ये इससे इसका हल है। काफी लोगों को आज ये टोटका मैं बता रही हूँ कि एक तो आप खोपरे का जो होता है, जो चूरा होता है, उसके यहाँ तो खोपरा सादा खाएं, या खोपरा जो पान वालों के पास पिसा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं, क्रश्ड हुआ हुआ, वो आप बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे करके लगाएंगे अपने छालों पे और उसे खाएंगे तो उससे बहुत आराम आता है। पान का कत्था जो होता है उसको भी आप मल सकते हैं, उससे भी छाले बहुत जल्दी चले जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, निकोटीन और अल्कोहल आपके स्किन पे? देखिए, मैं ये बात बता रहा था कि निकोटीन आपके सिगरेट में होती है, आप टोबैको भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उससे रिंकल्स बहुत तेजी से पड़ते हैं और वो परमानेंटली डैमेज कर देती है आपकी स्किन को। द सेम इज ट्रू विद अल्कोहल, एनीथिंग इन मॉडरेशन इज लेस हार्मफुल कम्पेयर टू, लाइक सिगरेट तो आप मॉडरेशन में भी नहीं पी सकते, क्योंकि अगर आप सिगरेट थोड़े से भी पी रहे हैं तो वो आपकी स्किन को, आपके लंग्स को, आपकी जीआई ट्रैक को, पता है अगर आप किसी भी चेन स्मोकर को या अच्छे किसी भी स्मोकर को आप ये बोलेंगे ना कि आपकी स्किन खराब हो जाएगी, आपकी स्किन पे इसकी वजह से हो रहा है, दे विल नेवर बिलीव यू। ठीक है, कोई बात नहीं, बट दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट कि वो बिल्कुल स्किन के ऊपर रिंकल्स डाल देते हैं। एक हमारे पास कॉल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं यूसुफ बरकर बोल रहा हूँ अपना लाहौर से। जी जी, तो मैंने डॉक्टर साहब से छोटी सी बात पूछनी थी, मेरा गला बहुत खराब, जल्दी पूछिए जल्दी। हाँ सर, मेरा गला खराब बहुत ज्यादा रहता है। नहीं तो ये गले के डॉक्टर थोड़ी है, तो अपना वो किस चीज के डॉक्टर है भाई, ये स्किन स्पेशलिस्ट है। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती, लोग टीवी भी देख रहे हैं, हो सकता है उन्होंने बीच में से स्टार्ट किया देख। हाँ तो वो हमने गले की बात शुरू कर दी थी। डाउट, हाँ तो हो सकता है, लेकिन ये गले के भाई डॉक्टर नहीं है, ये स्किन स्पेशलिस्ट है, गले के डॉक्टर आएंगे तो आप तब कॉल कर सकते हैं। गला खराब रहता है तो फौरी तौर पे इंसान, मैं तो समझती हूँ कि आके डॉक्टर को बिल्कुल देखिए, गले का तो ये है कि अगर माइल्ड कोई प्रॉब्लम है तो वो तो जनरल प्रैक्टिशनर्स भी उसको। बेस्ट डाइट फॉर एंटी एजिंग? बेस्ट डाइट देखिए, अगर आप जैसे आई वॉज टेलिंग यू अर्लियर कि आप खाने पीने के अंदर एक मॉडरेट डाइट हो जिसके अंदर आपके प्रोटीन्स भी हों, फ्रूट्स भी हों, आपको वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स हों, खास तौर से जो डार्क कलर वेजिटेबल्स हैं जैसे टोमेटोज हैं, अनियंस हैं, या खीरा है, ककड़ी है, इस तरह की जिनकी अच्छा कलर, जिनका स्ट्रॉन्ग कलर है, वो बहुत अच्छा रहता है आपके लिए, उसमें एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अलावा आप खाने पीने में कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा अवॉइड करें, उसमें क्योंकि आपका वेट भी गेन होता है और उसके साथ साथ आपको इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, शुगर कंटेंट जिस भी डाइट में। इसको हम कंटिन्यू करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया। अच्छा। क्योंकि न्यूज चैनल है, हमें ब्रेक बार बार लेनी होती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ हैं डॉक्टर खालिद मुस्तफा और आज हम बात करें एंटी एजिंग पे और स्किन फ्रेशनेस पे। स्टे विद अस।